कभी कभी वहां जमीन पर बैठकर क्या कर रहे हो? चलो इधर आओ अपनी कुर्सी पर। नहीं रवि, रवि तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा ना? हाँ नाना जी, मुझे सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, मजा आ रहा है। इसे कहीं लेके नहीं जाना चाहिए, एक तो पैसे खर्च करो। मुसीबत कौन है? सो जा। सुनो भाई, तुमने किसी छोटे से लड़के को देखा यहाँ पर? रवि, रवि नाम है उसका। अरे यहाँ सारा दिन सैकड़ों बच्चे पिक्चर देखने के लिए ताकझाँक करते रहते हैं, अब किस किस पर नजर रखूं? तुम जरा हाल में अनाउंसमेंट करके देखो ना। क्या मतलब? पिक्चर रोक के अनाउंसमेंट करूं आपके लिए? पब्लिक जान ले लेगी। हाँ भाई साहब, सांप का औरत को खाने वाला सीन तो अब है। जाइए जाइए, अंदर जाइए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे पोते को कोई उड़ा कर ले गया है। उड़ा कर ले गया तो हाल में अनाउंसमेंट कराने से क्या फायदा? उड़ाने वाला क्या अभी तक अंदर बैठा होगा? अरे रफू चक्कर हो गया होगा, मिलो अंदर। फिकर तो गोपीनाथ को थी ही, मगर सांप के औरत को निकलने वाला दृश्य देखे बगैर वो भला कैसे जा सकते थे? एक टिकट तो बेकार जा ही चुका था, अब वो दूसरा टिकट बेकार नहीं जाने देते। रवि के खो जाने के दुख में डूबे गोपीनाथ फिल्म के खत्म होने का इंतजार करने लगे।